बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझने के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पेपर में आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। लेक्चर है इम्पॉर्टेंट, उसका टॉपिक है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ पढ़ा। तो आज हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कि अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो हमारे लिए क्या अफेक्ट काज कर सकता है और उसके कितनी टाइप्स हो सकती है। तो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सम टाइम देयर कैन बी ब्रेकेज ऑफ अ क्रोमोसोम, सम टाइम ऐसा होता है कि क्रोमोसोम ब्रेक कर जाता है। इट कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट, और वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब क्रोमोसोम टूट जाता है तो वो फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है। दीज अरेंजमेंट अफेक्ट्स द जीन्स ऑफ दैट क्रोमोसोम, तो वो जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती है उनको अफेक्ट करता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। जो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है डिलीशन, द लॉस्ट पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन। क्रोमोसोम के पार्ट का लॉस कर जाना टोटली किसी एक पार्ट का, उसको हम कहते हैं डिलीशन। फ्रेगमेंट्स विदाउट सेंट्रोमियर आर यूजुअली लॉस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं विदाउट सेंट्रोमियर वो यूजुअली लॉस्ट हो जाते हैं। Therefore, chromosome miss certain gene. और क्या होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर से जो सर्टेन इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्होंने करेक्टर को इनहेरिट करना होता है, इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना होता है, वो मिस हो जाती है। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है डुप्लीकेशन, फ्रेगमेंट ज्वाइन टू द होमोलोगस क्रोमोसोम विद अ डुप्लीकेशन ऑफ जीन। फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ और डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स जो है वो प्रेजेंस होती है। नंबर थर्ड पे टाइप हमारे पास आ जाती है इनवर्जन, फ्रेगमेंट्स रीअटैच टू इट्स ओरिजिनल क्रोमोसोम बट इन रिवर्स ऑरिएंटेशन। जो फ्रेगमेंट्स लॉस हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं वो फ्रेगमेंट्स रीअटैच दोबारा हो जाते हैं ओरिजिनल क्रोमोसोम के साथ ही बट इन रिवर्स ऑरिएंटेशन में। फोर्थ वन टाइप हमारे पास आती है ट्रांसलोकेशन, फ्रेगमेंट्स में ज्वाइन अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, वो अपने सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं करते बल्कि वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच कर जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फोर टाइप्स आती हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की चेंजेस के ऊपर, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चेंज होने की कितनी टाइप है, ये हमारे पास फोर टाइप्स आ जाती हैं, इनको हमने पढ़ा। अब हम इनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि हमें बेटर समझ आ जाए, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन जो है ये किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर होती है। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिलीशन में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम है, इसको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें क्या हुआ, हमारे पास डी वाला जो पार्ट है, हम डिलीशन में हमने पढ़ा है कि क्या है, द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो लॉस कर जाता है। तो ये डी वाला पार्ट हमारे पास लॉस कर जाएगा तो हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम आ जाएगा ए बी सी, इसमें डी लॉस कर गया, ई एफ जी एच ये ऐसे के ऐसे चीज रहेंगे, हमारे पास डी वाला पार्ट जो है वो लॉस कर गया। डुप्लीकेशन में क्या होता है, हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ने डुप्लीकेशन किससे करनी है, बी का ये जो पार्ट सेगमेंट है क्रोमोसोम का बी वाला, ये डुप्लीकेट करेगा हमारे पास इस तरह से, इधर भी बी आ जाएगा, सी के बाद फिर बी आ जाएगा, हमारे पास ये टू टाइम जो है इस तरह से बी का बी वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट कर गया। इन्वर्जन में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ए और ये हमारे पास इधर डी था, इन्वर्जन में हमारे पास क्या होगा, इधर डी आ गया और इधर बी आ गया, यानी कि डी वाला पार्ट और बी वाला पार्ट इन्वर्स हो गए हैं, डी इस तरफ और बी इस तरफ आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह इन्वर्जन ऐसे होता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकल हो जाते हैं ये एक दूसरे का कि प्लेस पे आ जाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ए बी सी डी है तो इधर हमारे पास एम एन ओ पी इधर आ जाएगा, ए बी सी डी का सेगमेंट्स नीचे आ जाएंगे, सेम एज ऐसे ही एम एन हमारे पास ऊपर चला जाएगा, एम एन ओ ये हमारे पास ऊपर चला गया और ए बी हमारे पास इधर नीचे आ गया। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और डिलीशन में हमारे पास इस तरह से क्रोमोसोम के पार्ट जो है वो डिलीट भी हो जाते हैं, इन्वर्स भी हो जाते हैं, लॉस भी कर जाते हैं, डुप्लीकेट भी हो जाते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेट भी कर जाते हैं। ये हमारे पास है
कॉजेज ऑफ चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के चेंज होने के कॉजेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेजर कॉज है वो है द मेजर सोर्स ऑफ डिलीशन एंड डुप्लीकेशन इन एरर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। जो हमारे पास मेजर आ रहा है कॉजेज वो कब आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब डिलीशन और डुप्लीकेशन हो जाती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समटाइम ब्रेक एट डिफरेंट पोल, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हमारे पास होते हैं वो समटाइम ब्रेक कर जाते हैं डिफरेंट पोल्स के ऊपर। एज अ रिजल्ट वन पार्टनर गिव अप मोर जीन्स देन इट रिसीव। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो वन पार्टनर होता है वो गिव करता है मोर जीन्स देन इट रिसीव। द प्रोडक्ट ऑफ सच क्रॉस ओवर आर वन क्रोमोसोम डिलीशन एंड वन क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशन। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो हमारे पास इस प्रोडक्ट के जो है वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो हमारे पास इस तरह के क्रॉस ओवर से प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो है उसमें डिलीशन हो जाती है, दूसरा क्रोमोसोम में क्या होता है डुप्लीकेशन हो जाती है। सेकंड जो मेजर कॉज हमारे पास आते हैं वो सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक आयन रेडिएशन हो सकती है, और सर्टेन हमारे पास केमिकल्स हो सकते हैं जो कि चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अफेक्ट क्या निकलते हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास इसके अफेक्ट आते हैं वो क्या है, सम ऑर्गेनिज्म इनहेरिट होमोजाइगस डिलीशन, कुछ ऑर्गेनिज्म में होमोजाइगस डिलीशन होती है, इट इज लीथल, ये हमारे पास डेंजरस हो सकती है, लीथल हो सकती है। डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन कॉजेज डिलीटेरियस इफेक्ट, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन भी हमारे पास जो है वो डिलीटेरियस इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, बैलेंस ऑफ जीन इज नॉट एबनॉर्मल, जो जीन्स का बैलेंस होता है वो एबनॉर्मल नहीं होता। ऑल जीन प्रेजेंट इन देयर डोजेस, तमाम जीन अपने अपने डोजेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, बट इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन कैन चेंज फिनोटाइप, लेकिन इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप को चेंज कर सकती है। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि ये आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है आज के इस टॉपिक में, किसी की कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अपने प्रैक्टिकल के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, अपने पास्ट पेपर के हवाले से आपको कोई भी डिस्कशन करनी है या आपको अपने किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।